फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल राखी की रसोई में। तो मैं अब इस चैनल पे स्टार्ट करने वाली हूँ डेली ब्लॉगिंग। तो डेली लाइफ के ब्लॉग शेयर करूंगी आपके साथ, शॉपिंग शेयर करूंगी आपके साथ, और दिवाली की शॉपिंग हुई और दिवाली से रिलेटेड वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ, और रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छी लगी, ब्लॉगिंग अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रूटीन। स्टार्ट होता है घर के काम से। तो घर के काम सारे हो गए हैं, तो अब बनाने जा रही हूँ लंच। तो लंच के लिए भी सब्जियाँ आ गई हैं, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। ये मूली मंगाई है तो इसका सलाद बना लेंगे। तो एकदम फ्रेश मूली है, आप देख सकते हैं पत्ते भी एकदम ताजा है। इन पत्तों की भी सब्जियाँ बनती है और काफी टेस्टी सब्जी बनती है, कभी शेयर करूंगी रेसिपी आपके साथ। तो ये मूली आ गई है एकदम फ्रेश, और ये पालक, ये देखिए कितनी अच्छी पालक है, कितने अच्छे पत्ते हैं इसके। तो आप देखिए कितनी फ्रेश एकदम सब्जी आ गई है मार्केट से। तो चलिए अभी पालक को साफ कर लेते हैं। पालक की गड्डी इस तरीके से बंधी हुई है, इसको चाकू से खोल लेंगे और पालक को साफ कर लेंगे। तो देख सकते हैं पालक एकदम अच्छी और एकदम फ्रेश पालक है, और इसे मुझे ज़्यादा साफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें पत्ते ख़राब नहीं है, सारी पालक, ज़्यादातर पालक अच्छी है। एक हाथ पत्ते ख़राब होंगे तो मैं निकाल दूंगी उनको। तो अभी मैं पालक को अच्छे से वॉश कर लूंगी, अच्छे से पानी डालते हुए पालक को वॉश कर लेंगे। तो ये मैंने मूली को धो के साफ कर लिया है, और इसको ही ऐसे कट करके हटा देंगे जो ये गंदा पार्ट है। इस तरीके से इसको साफ कर लेंगे सलाद बनाने के लिए। तो मूली को मैं ग्रेट कर लूंगी। टमाटर को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। इसी में अब हम ये बारीक दो हरी मिर्ची काट के डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें ये हरा धनिया भी कट करके डाल देंगे। और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। तो अब इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफर करके रख देंगे, और जब हम खाएंगे तो तभी इसमें नमक डालेंगे, वरना मूली है तो पानी छोड़ देगी। तो ये सलाद हमारा हो गया है तैयार, इसको हम साइड में रख देंगे। मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता और पालक की पूड़ी। तो बूंदी का रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक कटोरा दही, अच्छा दही है एकदम फ्रेश, और इसमें डालेंगे ये एक कटोरी बूंदी। और अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो इसमें डालेंगे आधी चम्मच काली मिर्ची पाउडर, और इसमें ऐड करेंगे हम चाट मसाला,
चाट मसाला हम एक चम्मच के करीब ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे काला नमक, तो आधा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक, तो इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार सफेद नमक और हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो हमारे यहाँ थोड़ा मीठा खाते हैं रायता, तो एक चम्मच मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। तो इन सबको अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर देंगे। और इसमें डालेंगे पानी, तो आपको जितना गाढ़ा पतला चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक से डेढ़ ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो बूंदी का रायता हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें ये बारीक काट के हरा धनिया डाल देती हूँ मैं इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो रायता हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसको फ्रिज में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं पालक पीस रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ इसको, क्योंकि मिक्सी हो गई है खराब और पूड़ियाँ बनानी है, तो इसी से मैं पालक ब्लेंड कर रही हूँ। तो अब मैं आटा मार लूंगी पूड़ियों के लिए। तो यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा नमक और डालेंगे 3 से 4 पिंच हींग। तो हींग काफी अच्छी लगती है पूड़ियों में, और स्पेशली पालक की पूड़ी हो गई, मेथी की पूड़ी हो गई, इसमें हींग जरूर डालें। अच्छे से मिला लेंगे और जो हमने पालक पीस के रखी है वो डाल देंगे इसमें। अभी मैंने आधी डाली है इसमें, पूरी नहीं डाली है, और अच्छे से मिक्स करेंगे। पालक पीसने से क्या होता है कि पूड़ियाँ हमारी एकदम अच्छी ग्रीन कलर की, एकदम हरी हरी पूड़ियाँ बनती हैं। तो अच्छे से मिलाएंगे इसको। बाकी की बची हुई पालक भी मैंने इसमें डाल दी है और सभी को अच्छे से मिला रही हूँ। और याद रखें कि पूड़ी बनानी है तो पूड़ी का डो हम थोड़ा टाइट मारेंगे। अगर आप पराठे बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पूड़ी के डो से थोड़ा सा हल्का मारें इसको। तो आटा गूंथ के हमने तैयार कर लिया है, अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। जैसी भी आपको पूड़ियां चाहिए छोटी बड़ी वैसे आप पूड़ियां बनाएं, तो मैं यहाँ पे पूड़िया की लोइयां बना लूंगी। भाई भी गर्म हो गई है तो इसमें डाल देंगे घी, थोड़ा सा सूखा आटा लगा के घुमाते हुए पूड़ियां बेल लेंगे। गर्म हो गया है तो ये जो पूड़ियां बेल के रखी हैं इनको डाल के हम सेक लेंगे।
हमेशा पूड़ियां बनाते टाइम आप याद रखें, गरम घी या ऑयल में ही पूड़ियां तलने के लिए डालें, इससे पूड़ियां अच्छी फूलती हैं। पूड़ियां सिक गई हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे एक बर्तन में। पूड़ियां बना के मैंने तैयार कर ली हैं, तो देखिए कितनी अच्छी कितनी फूली फूली पूड़ियां बन के तैयार हुई हैं। तो चलिए अब लंच करने चलते हैं। तो ये है आज का मेरा लंच रूटीन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, एंड थैंक यू।